Saturn devouring his childrens और Cronos devouring his childrens आर्ट हिस्ट्री की सबसे खतरनाक गोरी और ब्लडशेड वाली पेंटिंग है। और क्योंकि आप जैसे देख ही सकते हैं मुझे इस टाइप की पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस पेंटिंग की पूरी हिस्ट्री, इसके आर्टिस्ट और इसके माइथोलॉजी के बारे में। तो चलिए आज ही इस पेंटिंग को पूरी तरीके से डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी पेंटिंग को जानने से पहले या उसकी स्टोरी को जानने से पहले उसके आर्टिस्ट की स्टोरी को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस खतरनाक पेंटिंग को जिस खतरनाक इंसान ने बनाया था उनका नाम था फ्रांसिस्को गोया। फ्रांसिस्को गोया का बर्थ ईयर 1746 में हुआ था और वो एक कोट पेंटर थे फ्रेंच किंग के अंडर। तो वो कोट पेंटर थे लेकिन बनने में दम था, उन्होंने कोई भी आर्ट ट्रेनिंग नहीं ली थी, फिर भी वो कोट पेंटर बन गया और अपने आप को पूरी तरीके से टेक्निकल ट्रेनिंग दी थी उन्होंने खुद से ही। उनके जब आप पोर्ट्रेट्स को देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, और उस एरा में रोमांटिसिज्म का एरा चल रहा था और उसी टाइम सारे फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। उसके पहले जो आर्टिस्ट थे वो न्यू क्लासिसिज्म के पेंटर्स थे, वो ज़्यादा ड्रामा के ऊपर फोकस करते थे, ज़्यादा हिस्ट्री पेंटिंग्स के ऊपर फोकस करते थे, लेकिन रोमांटिसिज्म में क्या होता था कि ज़्यादा फीलिंग्स के ऊपर फोकस करते थे और ज़्यादा इमोशंस पे ध्यान दिया जाता था। तो फ्रांसिस्को गोया भी उसी टाइप के पेंटर थे। जब फ्रेंच वार हुआ उस टाइम उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ क्योंकि वो कोट पेंटर थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वार और ब्लडशेड देखा जिससे उनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और उन्होंने इतनी खतरनाक पेंटिंग्स बनाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वार की पेंटिंग्स बनाई, वो भी काफ़ी रियल और गोरी। तो उस टाइप के पेंटिंग्स इतने इफेक्ट किए पूरे वर्ल्ड में, उनका जो पेंटिंग इतना ज़्यादा इफेक्टिव था कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए, और फेमस होने का कारण वो भी था कि उन्होंने काफ़ी सारे प्रिंट्स भी बनाए थे, डिजास्टर्स ऑफ वार नाम के प्रिंट्स भी उन्होंने बनाए थे जो कि पूरे वर्ल्ड में रेगुलेट हुए थे, सर्कुलेट हुए थे और सब ने उन प्रिंट्स को देखा था। तो उनसे उनका पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रहे। जो भी बड़े बड़े आदमी होते हैं कभी भी पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकते, काफ़ी ज़्यादा डिलेमा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ओल्ड एज के साथ साथ उनकी हियरिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। हाँ, कोई आदमी जो कि उतना ज़्यादा गाना नहीं सुनता होगा, कुछ उनका प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फ्रांसिस्को गोया को गाना सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो जब उनकी हियरिंग चली गई तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, और उसके साथ साथ उनकी आईसाइट भी धीरे 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 गिरने लगी। तो उनकी लाइफ में ये सब जब प्रॉब्लम्स आ रहे थे तब वो बिल्कुल आइसोलेट हो गए, और उनके दूसरे जगह पर एक घर था वहाँ पर उन्होंने खुद को बंद कर लिया, और बंद करके ऐसे 1828 में उनकी डेथ हो गई। उनकी जो लाइफ में जितने सारे पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी वो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उससे भी खतरनाक काम उन्होंने जो किया था वो किसी ने उनके लाइफ टाइम में कभी देखा ही नहीं। उन्होंने 14 ब्लैक पेंटिंग्स बनाई थी दीवार के ऊपर, जब दीवार में उन्होंने बनाई थी, और वो पेंटिंग्स किसी के लिए नहीं थी, किसी ने उनके वो पेंटिंग्स देखे भी नहीं थे, कोई फैमिली मेम्बर्स ने भी नहीं देखे थे, और वो ब्लैक पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा डेंजरस थी, इतनी डिफरेंट थी उनकी पिछली पेंटिंग से कि उसने पूरे उस टाइम आर्ट वर्ल्ड को पूरी तरीके से हिला दिया। और उस ब्लैक पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेंटिंग है ये पेंटिंग, क्रोनोस डिवाउरिंग इट्स सन्स। यहाँ पर सन्स लिखा गया है इनके टॉपिक में, लेकिन ये सन्स नहीं चिल्ड्रंस होना चाहिए था क्योंकि क्रोनोस ने उसके सारे चिल्ड्रंस को खा लिया था ज्यूस को छोड़ के। तो इस स्टोरी में सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये जो पेंटिंग, इसका नाम तो उन्होंने रख दिया क्रोनोस डिवाउरिंग हिज सन्स, लेकिन एक्चुअली ये पेंटिंग क्या है किसी को नहीं पता। उन्होंने ये पेंटिंग देखी, उन्होंने देखा कि एक आदमी ऐसे खा रहा है एक पर्सन को, और उन्होंने इसको ग्रीक माइथोलॉजी के पेंटिंग के जो थीम था क्रोनोस वाला उससे उन्होंने कनेक्ट कर दिया। लेकिन ऐसा कहीं भी फ्रांसिस्को गोया ने खुद नहीं कहा है कि ये क्रोनोस उसके सन्स को खा रहे वही वाला पेंटिंग है, तो हम कैसे भी कह नहीं सकते, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा
इंटरप्रिटेशन था पेंटिंग का, तो ये चल गया। काफी टाइम आर्ट हिस्ट्री में ऐसा होते रहते हैं कि हमको कुछ पता नहीं है, फिर भी हम उसको कोई नाम दे देते। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। So let's begin looking at the painting. तो सबसे पहले जब हम इस पेंटिंग को देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक काफी डेंजरस वाइल्ड एक आदमी को आप देख रहे होंगे जो कि कैनिबलिज्म कर रहा है, यानी कि एक इंसान को खा रहा है। अब ये इंसान क्या उसका सन है, क्या उसका एक्चुअली में कोई और इंसान है, ये हम कह नहीं सकते। और जो देख के हमें लग रहा है कि जो जिस इंसान को वो खा रहा है वो भी एक फुल्ली ग्रोन मेल या फीमेल फिगर लग रहा है, वो भी कोई चाइल्ड नहीं लग रहा है जिसको वो खा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनइंटेंशनल होगा अगर फ्रांसिस्को ने सच में क्रोनोस डिवाउरिंग हिज सन ही बनाया होगा, कि तब वो इन्फेंट उसको बनाता है, इतने ज़्यादा ग्रोन अप इसको नहीं बनाता। तो इसके बाद हम इसमें देख सकते कि ब्लड ड्रिप कर रहा है वहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा एक घिनौना सीन है यहाँ पर, जो कि काफ़ी लोग देख भी नहीं पाते, उल्टी भी कर देते इस पेंटिंग को देखते हुए काफ़ी लोग। तो इस पेंटिंग में इतना ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी जो है वो और भी ज़्यादा डेंजरस और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसके बाद हम इसके पेंटिंग के स्टोरी के ऊपर जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये पूरी तरीके से माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से हमने सीखा था, ग्रीक टाइम से वो चली आ रही थी। इसको जो क्रोनोस कहा जा रहा है, तो क्रोनोस इसको ग्रीक में कहा जाता है, या फिर इसको सैटर्न कहा जाता है रोमन में। जो ग्रीक गॉड्स थे वो रोमन गॉड्स बन के उनके नाम थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो दोनों नाम ही इस पेंटिंग के हैं। तो ग्रीक क्रिएशन मिथ में सबसे पहले कुछ भी नहीं था, केओस था। सबसे पहले केओस में से गाया का जन्म हुआ, गाया यानी कि मदर अर्थ। मदर अर्थ का सबसे पहले जन्म होने के बाद मदर अर्थ ने दिया कुछ भी नहीं है, खाली था, तो उन्हें कुछ तो चाहिए था। तो सबसे पहले उन्होंने यूनिवर्स को बनाया, यूनिवर्स यानी कि यूरेनस। उस टाइम उन्होंने यूरेनस का जन्म दिया, जिससे कि प्लैनेट का नाम भी बाद में पड़ा, और यूनिवर्स का पूरा जो गॉड थे वो यूरेनस थे। उसके साथ साथ वाटर का भी निर्माण किया गया, लेकिन यूरेनस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यूरेनस के साथ शादी की फिर गाया ने, और उनके काफ़ी सारे बच्चे हुए, उनके अबाउट 12 चिल्ड्रंस थे। 12 चिल्ड्रंस में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्रोनोस या और सैटर्न, जो कि हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, और उसके साथ साथ रुइया। और बाकी जो सारे चिल्ड्रंस थे उनके, वो मॉन्स्टर्स थे, या फिर उन्हें टाइटन्स कहा जाता था। तो वो अटैक ऑफ टाइटन्स वाले टाइटन्स नहीं होने से बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन क्या करें, टाइटन्स वो दूसरे तरीके के टाइटन्स थे, लेकिन वो भी मॉन्स्टर्स थे। एक था साइक्लॉप्स, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है आजकल, उसके बड़े बड़े आँख होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जाइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड भी दिखाया जाता है कैरेक्टर काफ़ी टाइम पे। और उसके साथ साथ 100 हैंड्स वाले कुछ कैरेक्टर्स होते थे, और उसके साथ साथ काफ़ी आइस वाले कैरेक्टर्स थे। तो वैसे काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स उस टाइम उनके चिल्ड्रंस थे। तो फिर जो यूरेनस था वो काफ़ी ज़्यादा गंदा आदमी था, ऐसा ही आप बोल सकते, काफ़ी गंदा आदमी था। उसको अपनी क्रोनोस और रिया तो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो दोनों दिखने में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाकी सारे उसके मॉन्स्टर जो चिल्ड्रंस थे उसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो उसने उसको क्या किया, जो टार्ट्रस जेल था, जो दुनिया का सबसे खतरनाक सबसे अंधेरा एक जगह था, उसमें उन्होंने सारे बच्चों को डाल दिया अपने। ओ भाई मारो मुझे मारो। बच्चों को पसंद नहीं आया तो उनको काला पानी दे दिया, यही हुआ उसका हाल। तो उसको देख के गाया काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, मदर अर्थ कैरेक्टर है, उनको उनमें कंपैशन है, उनमें ममता है। और तो उसने क्या किया कि उसने यूरेनस को काफ़ी ज़्यादा प्लीज़ किया, काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन यूरेनस बिल्कुल भी नहीं माना। तो फिर गाया ने सोचा कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसने अपने सन क्रोनोस के पास गए और बोला कि कैसे किसी भी तरीके से आपको यूरेनस को हराना है। तो उन्होंने दोनों ने प्लान बनाया, और एक दिन जो यूरेनस था उसको उन्होंने हरा दिया बाय यूजिंग सम ट्रिकरी। उसमें मैं बाद में जाऊंगा जब हम बर्थ ऑफ वीनस के बारे में जानेंगे, कि इसी टाइम बर्थ ऑफ वीनस भी होता है। तो उसी टाइम जब उसने उसको हराया, तो उस टाइम यूरेनस ने उसको श्राप दिया था कि जैसे मेरे बेटे ने मुझे हराया, उसी तरीके से तुम्हारा जो बेटा होगा वो भी तुम्हें ओवरथ्रोन करेगा, तुम्हारे पावर को ख़त्म करेगा।
इस तरीके का स्टोरी लाइन हर कोई भी मिथोलॉजिकल स्टोरी में आप देख सकते हैं। जैसे कृष्ण के स्टोरी में भी इसी टाइप का था कि एक प्रोफेसी थी कि तुम्हारे जो भांजे होंगे वो तुम्हें हराएंगे, इसी तरीके से इसमें भी था कि जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो तुम्हें हराएंगे। तो ये क्रोनोस के माइंड में घुस गया बिल्कुल। फिर भी उन्हें बच्चे तो करने थे, तो सबसे पहले उन्होंने रिया से शादी की, अपनी जो बहन थी उससे शादी की। तो उसके बाद उनके और भी ज़्यादा कई सारे बच्चे हुए, और उनमें से जो भी बच्चा कभी भी होता था उसी टाइम क्रोनोस उसको खा जाता था, पूरी तरीके से डिवाउर कर जाता था। इस पेंटिंग का जो टॉपिक है यही है, और इस पेंटिंग के टॉपिक को लेकिन आप जैसे देख सकते हैं बस यही पेंटिंग नहीं, क्रोनोस डिवाउरिंग हिज सन्स वाले कई सारे और पेंटिंग्स है, लेकिन सारे पेंटिंग्स पे आपको दिखाया गया होगा कि वो उसको खा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल मिथोलॉजिकल स्टोरी में कि वो बिल्कुल निगल जाता है अपने सारे बच्चों को। तो धीरे धीरे जो भी गॉड्स थे ग्रीक मिथोलॉजी के, जो कि ज्यूस को छोड़ के बाकी सारे जो गॉड्स थे, हेरा, पोसाइडन और बाकी सारे जो गॉड्स थे, सबको वो एक एक करके खाता गया। लेकिन फाइनल में उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, और लास्ट में जब ज्यूस का बर्थ हुआ तो ज्यूस के बर्थ के टाइम उसने ज्यूस को कहीं और भेज दिया बड़ा होने के लिए, और उसने क्रोनोस को बस पत्थर वाला हुआ एक कंबल दे दिया और उसको उसने खा लिया बिना देखे, पूरी तरीके से निगल लिया। तो उसी तरीके से ज्यूस बच गया, और फिर वो बड़ा होके अपने सारे भाई बंधु को उसने बाहर निकाला, और फाइनली फाइट करके उसने क्रोनोस को हरा दिया। ये था ग्रीक क्रिएशन मिथ, और इसको टाइटनॉमिकी भी कहा गया है और कई सारे नामों से इसको कहा गया है। तो इसी स्टोरी का जो सबसे डेंजरस पार्ट था, सबसे घिनौना पार्ट था, वो था क्रोनोस डिवाउरिंग हिज सन्स। तो यही पेंटिंग इसको ही डिपिक्ट करती है, और इस तरीके की और भी कई सारी ग्रीक माइथोलॉजी में डेंजरस स्टोरीज है, और काफ़ी सारे इफेक्टिव थीम्स भी है। तो ये पेंटिंग काफ़ी अच्छे से इसको डिपिक्ट करती है। शायद ये पेंटिंग इसको डिपिक्ट करना चाहती भी ना हो, लेकिन फिर भी इतना जो पेन है, इतना जो डेंजर, इतना जो घोर इस पेंटिंग में, सब कुछ इस सीन को डिपिक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आशा करता हूँ आपको आज की ये जो वीडियो थी आपको अच्छी लगी। ऐसी और माइथोलॉजिकल स्टोरीज़, पेंटिंग के पीछे की स्टोरीज़, और भी कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको अगर सुनी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, ये भी बताइए। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर।